हाय डियर, आज के इस वीडियो में हम इस वाले सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे। वैसे तो ये सेंटेंस बहुत ही सरल दिख रहा है, लेकिन इसके जो बिहाइंड है वो कॉन्सेप्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हमने कहा था कि किसी भी सेंटेंस को अगर आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हो तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब का जरूरत होता है, लेकिन इस सेंटेंस में देखिए कहीं से कहां तक सब्जेक्ट नहीं है। अब मैं कहूं कि यहाँ पे सब्जेक्ट है लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रहा, कैसे? एक एग्जांपल लेते हैं, जो झूठे वादे मत करो। मान लो ये व्यक्ति क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि झूठे वादे मत करो, तो ये किसी ना किसी व्यक्ति से तो बोल रहा होगा। तो ये जिस व्यक्ति से बोल रहा है, फिर चाहे वो एक हो या फिर एक से ज्यादा हो, ये मैंने दो ग्रुप बना दिए हैं, फिर चाहे वो एक हो या फिर एक से ज्यादा हो, मतलब ये किसी ना किसी व्यक्ति से बोल रहा है, ये किसी ना किसी ग्रुप से बोल रहा है। तो इंग्लिश में एक प्रोनाउन होता है, जैसे ये जो एक व्यक्ति है इसको भी हम यू से शो कर सकते हैं, या एक से ज्यादा अगर व्यक्ति होते हैं तो उन्हें भी हम यू से शो कर सकते हैं। यानी यू हम एक के लिए भी यूज कर सकते हैं और एक से ज्यादा के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो अब जो सेंटेंस है हम इसे ट्रांसलेट करेंगे, क्योंकि अब हमें पता चल गया है कि यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है। लेकिन सबसे पहले हम थोड़ा सा यहाँ से मत को हटा देते हैं, तो ये हो जाएगा झूठे वादे करो। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, यू है, जो कि हमने हाइड रखा हुआ है, यानी छुपा के रखा हुआ है। वादे करो को बोला जाता है, झूठे वादे करो को बोला जाता है मैं फॉल प्रोमिसेस प्रोमी Says। अब देखिए यहाँ पे मैक में एच आई एस क्यों नहीं आया, क्योंकि यू के साथ वर्ब में एच आई एस नहीं आता, इसलिए हमने डायरेक्टली यहाँ पे मैक, तो मैक क्या है, यहाँ पे वर्ब है। अब हमने यहाँ पे इस सेंटेंस में ये और जोड़ दिया कि झूठे वादे मत करो, इसका मतलब होगा कि झूठे वादे करो और इसका मतलब होगा झूठे वादे मत करो, तो यहाँ पे मत का सेंस और देना पड़ेगा, क्योंकि अब हमें पता है कि जो नेगेटिव सेंटेंस है मत, उसको हम वर्ब से पहले लगाएंगे। तो यहाँ भी यू को हमने क्या रखा, हाइड रखा, मतलब ये छुपा हुआ है, हम सेंटेंस में इसका जिक्र नहीं करते क्योंकि वो अंडरस्टैंडेबल हो गए। तो यहाँ पे होगा यू डोंट मैं फॉल्स प्रॉमिसेस प्रॉमिसेस। अब ध्यान रहे स्पोकन में हम जैसे डोंट बोल सकते हैं, लेकिन हम इसको ऐसा बोलेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। डू नॉट मेक फॉल्स प्रॉमिसेस, मतलब झूठे वादे मत करो। फिर से हम बता देते हैं, यहाँ पे हम सब्जेक्ट का जिक्र नहीं करते क्योंकि सब्जेक्ट अंडरस्टैंडेबल होता है, जब हम बोलते हैं तो हमें पता होता है कि हम किससे बोल रहे हैं, इसलिए रिटन और स्पोकन में ये चीज जरूरी नहीं होती। पर इसका मतलब ये नहीं है कि बिना सब्जेक्ट के ये ट्रांसलेट हो जाएगा, यहाँ पे सब्जेक्ट है जिसको कि हमने हाइड रखा हुआ है। तो आई होप कि इस वीडियो से आपको ये छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। थैंक यू।